अनंतो गत्वा उत्तराखंड सरकार की ढुलमुल रवैये से परेशान माननीय हाई कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 3 महीने की डेडलाइन राज्य सरकार को दे दी। हमने 2015-16 में माननीय हाई कोर्ट की देखरेख में विधानसभा द्वारा पारित कानून की सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सर्वसम्मति से, जिसमें नेता विपक्ष भी सम्मिलित थे, जिसमें हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित थे, लोकायुक्त और लोकायुक्त की पूरी बेंच का चयन किया। दुर्भाग्य से दिल्ली की सत्ता को वो पसंद नहीं आया। गवर्नर महोदय के पद का दुरुपयोग करते हुए कई प्रश्न लगा करके अनुमोदन प्रदान करने के बजाय विलंब किया गया और जानबूझ करके फाइल को लटकाए रखा गया। हम उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता परिवर्तन के साथ नई सरकार शायद अपने नाम से लोकायुक्त की नियुक्ति कर देगी, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनको तो लोकायुक्त नियुक्त करना ही नहीं था। आखिर लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग लोकायुक्त की शरण में जाते, और इसलिए लोकायुक्त से बचो ये भाजपाई नारा बना, और आज उसी का परिणाम है कि लोकायुक्त पर निरंतर तनख्वाहें दी जा रही हैं उनके कार्यालय को, मगर लोकायुक्त गायब है। गवर्नर हाउस में आज भी 2015-16 का लोकायुक्त लटका पड़ा हुआ है।